हरिद्वार में बुग्गा वाला और बहादुराबाद के कई गांव में इन दिनों गुलदार और हाथी की दहशत बढ़ गई है। आए दिन गुलदार और हाथी गांव में दस्तक दे रहे हैं। रात के समय खेत में पानी डालने वाले किसानों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हरिद्वार के बुग्गा वाला, बहादुराबाद क्षेत्र के रोहतक, किशनपुर, अलीपुर, बोंगला और आसपास के क्षेत्रों में गुलदार घूम रहा है। खेतों में गुलदार के पैरों के निशान मिलने और सीसीटीवी फुटेज में गुलदार घूमता हुआ नजर आने से लोगों में दहशत है। ग्रामीण इस संबंध में कई बार वन विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। अरे यहाँ जो है गांव में और आसपास जंगल में, गांव के जंगल में गुलदार आया हुआ है और वो लोगों को परेशान क्या कर रहा है, वो छोटे कुत्ते या छोटे मवेशी, छोटे पशु या बड़े पशु मिल जाता है उसको, उन्हें वो खा लेता है और लोगों को आना जाना जो है काम करना खेतों में बंद कर दिया। ये प्रदर्शन है जो गुलदार गांव में आया हुआ है, उस सब गांव भी और सारे जो हमारे मजदूर और किसान सारे भयभीत हैं। जंगली जानवर और मानवीय संघर्ष कोई नया नहीं है। इंसान लगातार जंगलों को काट कर अपना रिहायश बना रहा है। जानवरों को अपने घर में किसी की दस्तक बर्दाश्त नहीं होती है, जिसका खामियाजा अब लोगों को अपनी जान गंवा कर यहाँ पर चुकाना पड़ रहा है। सही है, वहाँ पर अभी इन दिनों कुछ अचानक से लोगों के द्वारा गुलदार को देखने की घटनाएं ज्यादा आ रही है। गुलदार चूंकि ये जो सारा क्षेत्र है बिल्कुल जंगल से सटा हुआ सा है और गुलदार काफी आबादी के आसपास भी रहने लगे हैं, इसमें विशेषकर बहादुराबाद के कुछ जो गांव हैं वहां से ज्यादा खबर आ रही है कि यहां गुलदार दिख रहे हैं। ये सारा जंगल से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है, यहां पर चीतल वगैरह भी आते रहते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से सटा हुआ होने से वहां से चीतल भी आते रहते हैं, नीलगाय, सांभर, तमाम जो हर्बी बोर सब आते हैं उनके पीछे पीछे ये लेपर्ड्स भी आते हैं। तो इसमें डायरेक्टर राजाजी को भी इसमें कहा गया कि अपने क्षेत्र में जो उस तरफ में बाउंड्री वगैरह है उसको एक बार पुख्ता और सुनिश्चित करा। देखा जाए तो मानव अपनी मौत का जिम्मेदार खुद ही है। जब हम किसी के घर पर कब्जा करेंगे तो उसकी कीमत भी हमें ही चुकानी पड़ेगी और इसका खामियाजा लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि वन विभाग अपने काम में कितनी सतर्कता बरतता है। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।